अस्सलाम वालेकुम। आप एक और हम वीडियो के साथ बात करेंगे और बात करेंगे सिंगापुर के हवाले से। सिंगापुर में इस टाइम मैं एक एमआरटी बस में हूं और हम जा रहे हैं इस वक्त मैरिलॉइन पार्क है वहां जा रहे हैं। तो तकरीबन लिटिल इंडिया से इसका रास्ता 10 मिनट का है, ये आपको बताना है अभी। तो इंशाल्लाह वहां पर जो भी एक्टिविटी होगी उसको भी मैं सेव करूँगा आपके लिए और तमाम दिखाऊँगा क्या एक्टिविटी है। लेकिन ये कार्ड जो है अब जो 2023 के हवाले से आप नोट करना है कि 2023 के हवाले से ये जो कार्ड है ये आपको पड़ेगा $5 का और इसके अंदर जो बैलेंस है वो आपको $5 करके देंगे तो $10 हो गए। इसके बाद आप अपना टॉपअप करा सकते हैं। टॉपअप कराइए, इस्तेमाल कीजिए, बस के अंदर इस्तेमाल कीजिए इसको, इसके अंदर आप MRT में इस्तेमाल कीजिए इसको, मैं जो ट्रेन मेट्रो ट्रेन कहलाती है वहाँ पर उसमें इस्तेमाल कीजिए, आप कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जब मैं यहाँ से फारिग हो जाऊंगा तो फिर जो संतोसा आयरलैंड है उसे कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको एक वाक्य दरमियान में जो है रात को वो बताऊंगा कि एक जो सूरत हाल वहाँ बड़ी थी एयरपोर्ट के ऊपर, बहुत ही एक क्रिटिकल सूरत हाल थी, लेकिन अल्लाह ने उसको हमें तौफीक दी कि हमने उसको बहरहाल संभाल लिया और अरण ताकत दी तो हो गया। तो रात को फिर मैं उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं कर सका बिकॉज हम लेट हो गए थे, आना जल्दी था लेकिन फिर लेट हो गए। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसे किस तरह टैकल करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस भी ज़रूरी है क्योंकि आप अपने मुल्क में तो है नहीं ना, आप किसी और मुल्क में हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। मैंने क्यों किया ये मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह अगली ब्लॉग में बताऊँगा रात को। अभी तो चलते हैं जो मैरिलॉइन पार्क है और उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या उसकी खासियत है, लैंडमार्क है वो सिंगापुर का क्यों है, बात करेंगे इसके ऊपर। ओके, अभी जो आप ये देख रहे हैं जो बसें आ रही हैं, ये जो यही रोड है, मेन रोड है ये बस स्टॉप यहाँ पर पीछे है, ये आपको उतारता है। लिटिल इंडिया से हम बैठे हैं तो 10 मिनट लगे हमको और $1 के अंदर जो है उसने हमको यहाँ पहुँचा दिया है। ये कौन सी जगह है, मैरिलॉइन क्लब जो पार्क है, ये लैंडमार्क आप देखते होंगे सामने, बहुत मशहूर है, लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आ सकते हैं, आप फैमिली को लेकर आ सकते हो, बोर्डिंग करो, यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटी है, फैमिली के लिए एक्टिविटी है, यहाँ पर आप आ जाइए, फैमिली के साथ लोग आ सकते हैं यहाँ पर और बोर्डिंग का मज़ा लेते हैं, यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस टाइम भी जॉगिंग कर रहे हैं 4 बजे। करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छी बात है, करते रहें। सामने आपके डाउन टाउन है, तमाम बड़े बड़े बिल्ड जो बैंक्स हैं, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर जो है वो फाइनेंशियल हब है, तो उसके उस हिसाब से ये बहुत ही मशहूर जगह है इस काम के लिए। बिल्कुल सामने जो आप देख रहे हैं इसको तो आप पहचानते ही होंगे, सिंगापुर का खासा है और तकरीबन सन 1972 से ये कायम है। तो आज जो हम आए हैं इसकी 50वीं सागरा मनाने के लिए आए हैं यहाँ पर 2023। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो याद रखिए कि जो भी खर्चा मैं बता रहा हूँ 2023 के हिसाब से देखिएगा, एंड ऑफ अप्रैल चल रहा है तो 2023 के हिसाब से ही इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। और जब भी सिंगापुर में आएँ तो छतरी लेकर आया करें, यहाँ पर बारिश कभी भी हो सकती है, कोई पता नहीं होता, आपके वैल्यूबल्स होते हैं, आपके पास मोबाइल या कैमरा कुछ भी है तो जो सपोर्टिंग है आपका वो वही है कि आप छतरी का इस्तेमाल करें, अगर छतरी का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर जो वाटर प्रूफ वो है वो इस्तेमाल करें आप, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो यही है। यहाँ पर आप लोगों का जंबे गफीर देख रहे हैं, लोग ही लोग हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर। आ जाइए, आगे चलते हैं, जायज़ा लेते हैं आवाम का, लोगों का, सूरत हाल का, लोग तस्वीरें बनवाते हैं यहाँ पर। ये देखिए वो लैंडमार्क जिसके लिए जिसके तकरीबन 50 साल पूरे हो, 50 साल से यहाँ लगा हुआ है, इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। सामने आप देख रहे हैं पूरे सिंगापुर नज़ारा जो है आप इसमें बैठे कर सकते हैं। और ये जो मशहूर लैंडमार्क है, ऐसा लगता है कि 3 बिल्डिंगों के ऊपर जो है कश्ती रख दी गई है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है।
फाइनेंशियल हब है बेसिकली सिंगापुर जो है, बैंक ऑफ अमेरिका नज़र आ रहा होगा आपको इस टाइम, तो ये फाइनेंशियल हब है यहाँ पे। आपको दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक जो है, ये दुनिया के तमाम बैंक जो है आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप बोर्डिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए लाइफ को। ये एक बेहतरीन जगह टाइम को गुजारने के लिए। देखिए बोर्डिंग हो रही है यहाँ पर, आप बोर्डिंग कीजिए यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, तो आप देख रहे हैं कि बैंक जो है वो हर तरीके से अपनी मार्केटिंग करने में लगा हुआ है। एक फाइनेंशियल की लड़ाई भी हो रही है ना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर लोग हैं, जिंदगी है, हर कल्चर, अफ्रीका से, इंडिया से आप देख रहे होंगे, अमेरिका से, यूरोप से, दुनिया भर के हर कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इवन के आप ये देखिए कि पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, तो फिर क्या पीछे क्या रह गया, इसका मतलब सभी आए हुए हैं। यार आप लोग सिंगापुर आते हो ना, तो आपसे कहते हैं कि जी मार्लिन पार्क के अंदर शेर जो है वो बहुत लगा बड़ा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, दिखाते यही है ना, बहुत बड़ा है। आपको मैं दिखाता हूँ उसका साइज असल में क्या है, ये देखिए साइज उसका, एक छोटी सी जगह पर लगाया हुआ है और चार लोग देख रहे हैं इसको, ये लगा हुआ है, ये साइज है। मैं कितना गरीब आऊँ इसके, ये लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, ये आप देख रहे हैं ये सिंगापुर ही है और ये लगा हुआ है, असल ये नहीं है। असल मैं बगैर काटे दिखा देता हूँ आपको, क्या परेशान हो जाए, वो छोटा कैसे हो गया, तो वो छोटा नहीं है, वो बड़ा ही है भाई। वो आपको मैं यहाँ से घुमा देता हूँ, ये देख लो भाई, वो असल नहीं है, वो बनाया हुआ कॉपी है बेचारा, असल शेर बेचारा ये है, कहीं आप उसे समझ लें भाई, ये असल शेर ये है जी, ये अबू जी ये हैं उसके, वो अबू जी नहीं है, बच्चा हुआ है अभी इसका, वो छः महीने का छोटा है, ये है असल में, ये देख रहे हैं आप। ये पूरा इंजॉय कर लिया ना, पूरा सारा घूम वूम लिया, देख लें सारा, ये सारा आपने अगर घूम लिया तो फिर आ जाएं। अब आपको लग गई है भूख, लग गई है प्यास, लग गई है, क्या करना है, सामने आइए बिल्कुल उसके ऊपर, मेन रोड चल रहा है वही रोड है, आप वहाँ पर निकलेंगे और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है मेरलॉयन पार्क का, ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, हर जबान में जो जबान आपको आती है उसमें आपको बता दिया जाएगा। आप नीचे आ जाएं तो नीचे आपको स्टोर मिल जाएगा कि आप पानी पिएं, जूस पिएं, आइसक्रीम खाएं, फ्रूट चाट खाएं, ये तमाम मामलात आपको मिल जाएंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, जो चाहिए आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साइकिलिंग मत करें यहाँ पर, रनिंग मत करें यहाँ पर, इस नीयत से आए हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ खाना है और पीना है, ठीक है। यहाँ पर आपको खाने पीने की अशिया मिल जाएंगी, अभी तो धूप खैर नहीं है, लेकिन अगर धूप हो तो यहाँ पर आप साइड पे होने के लिए भी आ सकते हैं, इट्स अ गुड प्लेस। ये देख रहे हैं आप, अगर छतरी भूल गए हो तो छतरी यहाँ भी मिलती हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं।